पहली साजिश है विनेश फोगाट की, भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए, और अब तिरंगा फहराने के बाद एक षड्यंत्र के तहत उसे डिस्क्वालीफाई करवाया। कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? देश के खेल मंत्री कहाँ है? वो लीडो खेल रहे होंगे, और क्या करेंगे, उन्हें कोई और खेल तो आता नहीं है। देश में ऐसा खेल मंत्री हो गया है जिसे लीडो खेलने के अलावा कोई भी खेल नहीं आता है। इस समय वो लूडो ही खेल रहा होगा, और क्या करेगा। हमने तो गूगल से भी पूछा कि खेल मंत्री कौन है, गूगल भी अनुराग ठाकुर को ही बता पा रहा है। दो बार सर्च करने के बाद तीसरी बार में गूगल ने बताया कि मनसुख मंडाविया है खेल मंत्री। तो जब गूगल को ही नहीं पता है तो हमें कैसे पता चलेगा खेल मंत्री कौन है। जिसने जिंदगी में कोई खेल ही नहीं खेली, केवल लीडो ही खेला है, उसे खेल मंत्री बना दोगे तो किसी को कैसे पता चलेगा खेल मंत्री कौन है। विनेश फोगाट ने आखिरी मोमेंट में बाजी को पलट दिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे पहलवानों के खिलाफ, और जिस लड़की ने इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो काबिले तारीफ है। और लेकिन कई लोगों को एक खुशी हजम नहीं हुई शायद, और हम लोग कहते कि एक रात में 5-5-6 केजी वेट कम कर सकते हैं, तो हमारे लिए 100 ग्राम करना कौन सी बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इसमें किसी को प्रॉब्लम हुई है, और वो इसके नतीजे खुश नहीं थी शायद, इस तरह का इसलिए स्टेप उठा गया कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया 100 ग्राम के लिए। आई थिंक उनको एक टाइम मिलना चाहिए था, एक मौका मिलना चाहिए था कि अगर वो उसको एक मिलता, जैसे हमारा 100 ग्राम या 200 या आधा किलो है, तो हमें एक टाइम मिलता है 1 घंटे का कि इसमें आप कम करके आइए, तो उसको ये मौका मिलता तो एक बहुत बड़ी है। हमने कभी नहीं देखा अभी हिंदुस्तान, हमने 3 ओलंपिक पार्टिसिपेट किया, कभी किसी एथलीट के साथ ऐसा नहीं हुआ। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। विनेश फोगाट सेमीफाइनल जीत चुकी थी और सेमीफाइनल के बाद इनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया। कम से कम चोटी लिए घोषित कर देते तो गोल्ड नहीं तो सिल्वर मेडल तो मिल ही जाता। बिल्कुल भी, सब पूरा सेटअप मिला हुआ है, पूरा सब कुछ फेडरेशन मिली हुई है, ये शुरू से षड्यंत्र चल रहा था और ये षड्यंत्र में रचने में कामयाब हुई।